नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमाचल टुडे न्यूज़ पर। दोस्तों हम बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। तो आज 27 मई 2021 की बड़ी खबरों की वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो को जो है अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिमाचल में 16 दिन बाद कोरोना से सबसे कम मौतें, 48 ने थोड़ा दम, 1245 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है 184,347 पहुँच गया है। इनमें से अब तक लगभग 159,227 संक्रमित जो है ठीक हो चुके हैं और सक्रिय कोरोना मामले घटकर 22,181 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 2,917 जो है संक्रमितों की जो है मौत हो चुकी है। जून के पहले सप्ताह से हिमाचल में सरकारी दफ्तर खोलने की भी तैयारी, चल सकती हैं बसें। कोरोना संक्रमण के मामले घटे तो हिमाचल प्रदेश सरकार जून के पहले सप्ताह से सरकारी दफ्तर भी खोल सकती है। पूर्व की तरह 30% या 50% स्टाफ को कार्यालय बुलाया जा सकता है और 5-day भी किया जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन को भी 50% क्षमता के साथ खोला जा सकता है।